शनिदेव की महादशा में सूर्यदेव की अंतरदशा, इन दोनों ही ग्रहीय व्यवस्थाओं के साथ बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित है। शनिदेव भी व्यक्ति विशेष को अध्यात्म की राह की ओर आगे लेकर चलते हैं, सूर्यदेव भी प्रकाश के मार्ग से व्यक्ति को अध्यात्म की राह की ओर लेकर चलते हैं। जब शनिदेव की महादशा में सूर्यदेव की अंतरदशा आती है तो व्यक्ति विशेष खुद को किस तरह से लेकर चले, कौन सी गणनाओं को अपने साथ आत्मसात करके रखने वाला हो, उसके पहले ये समझने की आवश्यकता है कि शनिदेव मंद चाल के अधिपति हैं। 19 वर्षों की इनकी दशा होती है और सूर्यदेव की सिर्फ 6 वर्षों की ही दशा होती है। जब व्यक्ति रात्रि की बात करता है तो उसकी अवस्था अलग है और जब व्यक्ति दिन की बात करता है तो उसकी अवस्था अलग है। सुबह से जो व्यक्ति जितना दूर होता है वो डिप्रेशन के नजदीक पहुंचता है और सुबह के व्यक्ति जितना नजदीक होता है और उसके पहले होता है वो व्यक्ति उतनी ऊर्जा के नजदीक पहुंचता है। ये एक स्पष्ट परिभाषा है जो व्यक्ति अपने साथ में महसूस कर सकता है। शनिदेव व्यक्ति विशेष को भौतिकता की पराकाष्ठा से लेकर चल के मार्ग अध्यात्म का दिखाते हैं और सूर्यदेव प्रकाश की अवस्थाओं के साथ में लगातार व्यक्ति को झकझोरते हैं और उसके बाद में एक अलग मार्ग को अवस्थित करने वाले होते हैं। ये जो दशा अंतराल व्यक्ति विशेष के जीवन में आता है, ये शनिदेव की महादशा में शुक्र की अंतरदशा के बाद आता है, जब व्यक्ति भौतिकता के सारे भटकाव आकर्षण देख चुका हो, गलत निर्णय की प्रक्रियाओं को अपने साथ रख चुका हो, जब जगाने आते हैं सूर्यदेव अपनी अंतरदशा के क्रम में और व्यक्ति विशेष को बताते हैं कि पुनः जागृत होने की आवश्यकता है। ये ग्रह व्यवस्था आदर्श शत्रुवत क्रम को निर्मित करती है। आदर्श शत्रुवत क्रम का स्पष्ट अर्थ यही है कि जो नैतिकता के साथ में शत्रुता चलती है उसका एक प्रभावी क्रम इन दोनों ही व्यवस्थाओं के साथ में निकल कर आता है। जब भी शनिदेव की महादशा में सूर्यदेव की अंतरदशा आती है तो व्यक्ति भीतर से एक जागृति, एक चेतना पाता है, जो कर रहा है उसके साथ में कोई भी गफलत निकल कर आई है, जो चल रहा है उसके साथ लगातार नकारात्मकता निकल कर आई है, उससे कैसे हटेंगे और अपनी यात्रा को कैसे आगे देखने वाले होंगे, वो मार्फत मार्ग उसके सामने सबसे पहले निकल कर आता है। जो भीतर की जागृति अभी तक संप्रेषित नहीं हो पाई थी वो उसके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करने वाली होती है। जो कार्य उसने अभी तक अपने साथ में जोड़े नहीं थे उस कार्य का संप्रेषण उस व्यक्ति विशेष के साथ निकल कर आने की पूरी पूरी जागृति को अवस्थित करने वाला होता है। और जब व्यक्ति विशेष अपनी चेतना को उस आधार के साथ में देखे जहां से परिवर्तन उसके साथ साथ चलने वाले हो, जहां से स्थितियां उसके लिए आगे की ओर बढ़ने की तैयारी करने वाली हो, तो उसके लिए व्यवहारिक तौर पर एक अलग गतिशीलता निकल कर आने की तैयारी होती है। जब व्यक्ति विशेष अपनी यात्रा पक्ष के साथ में बारंबार इस समागम को लेकर चलने वाला रहे कि उसे जाना किस ओर है, उसे देखना क्या है, उसके मार्ग चलते किस ओर है, वहीं से एक अटमोस्ट क्लैरिटी का बेस साथ साथ में चलायमान प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है और वहीं से जीवन यात्रा नव अवस्थाओं को संप्रेषित करती है। जब व्यक्ति किसी ऐसे कामकाज की ओर हो जो उसको दुष्कर लग रहा हो, मुश्किल अवस्थाओं के साथ में लेकर चल रहा हो, वहीं पर इस समय की जागृति सब कुछ परिवर्तित कर देने की एक अद्भुत अवस्थाओं को लेकर चलायमान होती है। जब व्यक्ति अपने साथ बारंबार इस समय अंतराल में ये कह रहा हो कि जो कार्य अभी तक उसने हाथ में नहीं लिए हैं उस ओर वो जाने, जीवन में कोई चुनौती मिल रही है उसको अपने साथ जोड़ने का यत्न प्रयत्न करें, तो सारे ही परिवर्तन के द्वार उसके समक्ष आते चले जाते हैं। जीवन यात्रा की चमक उसके साथ लगातार चलायमान होती है, जहां से कोई और अटकाव और भटकाव सामने नहीं होते, क्योंकि इसके बाद में आने वाली होती है चंद्रमा की अंतरदशा। चंद्रमा यहाँ द्वितीय प्रकाश ग्रह की अवस्थाओं के साथ में होते हैं। जहां प्रथम प्रकाश ग्रह सूर्यदेव है वो व्यक्ति को ये बताते हैं कि कर क्या रहे हैं आखिरकार और करना क्या है, जा क्या रहे हैं और जाना क्या था। जब ये स्पष्टता कहीं पर भी किसी भी दौर में निकल कर आती है तो फिर व्यक्ति पुनः अटकाव का शिकार नहीं होता। देखिए, जो ये शनिदेव की महादशा में सूर्यदेव की अंतरदशा के साथ में नव ग्रह व्यवस्था के प्रत्यंतर क्रम निकल कर आते हैं, ये भी तीव्रगामी परिवर्तन लेकर आते हैं और उस तीव्रगामिता के साथ में व्यक्ति लगातार खुद को आगे की ओर लेकर चल पाता है। ये वो समय है जहां अपनी कमियों पर काम किया जा सकता है। अब व्यक्ति कहेगा कि 60 वर्ष के हो चुके, 70 वर्ष की ओर आ चुके, ये कमियों पर कार्य करने का समय है क्या? जब तक जीवन है तब तक अपनी कमियों पर कार्य किया जा सकता है और गुणों को निखारा जा सकता है। जब तक जीवन है मौन अपनाया जा सकता है, जब तक जीवन है शब्दों की ऊर्जा को अपनाया जा सकता है, जब तक जीवन है अपनी यात्रा को नयापन दिया जा सकता है, परंतु उसके लिए आवश्यकता एक अलग अवस्था विशेष की है
और वो अवस्था विशेष लगातार भागदौड़ के मध्य से समक्ष निकल कर आने वाली होती है। जब व्यक्ति इस फंक्शनल क्लैरिटी के साथ में लगातार चलने वाला होता है कि वो देख क्या रहा है, किस तरफ चलने की अप्रोच में है, शनिदेव की मां दशा में सूर्यदेव की अंतरदशा वो पूरा ही प्रखर परिवर्तन का मानक उसके समक्ष रखने वाली होती है, जहां से जीवन की ऊष्मा उसके नव मार्ग को प्रदत्त करने वाली होती है। जब व्यक्ति विशेष यहाँ माइग्रेन संबंधी अप्रोच को देखता है, व्यवहारिक दृष्टिकोण पर बात करें तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जाना चाहिए। जब सूर्यदेव की स्थितियां नीचे आधार के साथ में और शनिदेव मजबूत हो तो व्यक्ति अपने भीतर के बोध के साथ में कई बार एक अलग तरीके की बेचैनी को प्राप्त करता है, परंतु उस बेचैनी के बाद में ही सफलता के मार्ग उसके समक्ष प्रशस्त होने वाले होते हैं। जो 6 वर्षों तक 7 वर्षों तक के संघर्षों को देखकर वो आगे बढ़ने की तैयारियों के साथ में होता है, ये ही वो समय अंतराल है जो उसके लिए परिवर्तन की धारा लेकर आते हैं। ये शनिदेव की मां दशा के मध्यान का क्रम बद्ध सिरा कहा जा सकता है, जहां से सूर्य चंद्र मंगल और राहु की स्थितियां उसके साथ में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को उजागर करती है और गुरु उसके साथ में पूर्णता लेकर आने वाले होते हैं। तो जब ये समय साथ में चल रहा हो, सबसे पहले व्यक्ति विशेष की संकल्प शक्ति उसके साथ में चलने लगती है। जब ये अंतराल उसके बोध के साथ में चल रहा हो तो व्यक्ति विशेष अपने भीतर की कुंठाओं को लगातार देख पाता है और जो उस पर वैचारिक विद्रोह के हमले किए जाते हैं, नकारात्मकता और आलोचना उसके साथ में होती है, वो रिएक्टिव होना बंद करता है। यहाँ पर रिएक्शन लेस होकर उन सारी बातों को अपनाकर एक रिफाइनिंग प्रोसेस के साथ में होता है। जैसे 7.5 प्योरिफिकेशन का मूड लेकर आती है, वैसे के वैसे शनिदेव की मां दशा में सूर्यदेव की अंतरदशा का क्रम भी वो ही प्योरिफिकेशन का मूड लेकर आता है, जो फंक्शनल बेसिस पर सब कुछ चेंज कर देने की ताकत रखता है, जहां से भीतर की अवस्था का नव निर्माण क्रम एक अलग यात्रा का बोधगम आधार देने वाला होता है। इसी के साथ व्यक्ति विशेष लगातार शनिदेव गायत्री सूर्यदेव के बीजक मंत्र सूर्य उपासना की तरफ बढ़ने वाला हो, वो जितना इस समय अंतराल में सूर्योदय से मित्रता करने वाला होता है, यानी कि उस समय आसपास के साथ में खुद को लगातार ऊर्जावान होकर तैयार करने वाला होता है, जीवन यात्रा वहीं से उसके लिए नखर कर सामने आने की तैयारी करती चली जाती है। वो खुद को कहीं पर भी संकुचित नहीं करता, व्यवहारिक दृष्टिकोण से और अधिक ऊर्जावान क्रम के साथ में अपनी जीवन यात्रा को सहज तौर पर आगे बढ़ाने की प्रवृत्तियों को रचता चला जाता है, जहां से आगे की यात्रा बोध क्रम को देखने वाला होता है। ये स्पष्टता अपने भीतर बारंबार रखने की जरूरत होती है कि जब भी शनिदेव की मां दशा में सूर्यदेव की अंतरदशा आने वाली हो, व्यक्ति अनुशासित जीवन की ओर जाने का प्रयत्न करे। कई बार जब शनिदेव की मां दशा में शुक्रदेव की अंतरदशा निकलती है तो एक टालने की प्रवृत्ति सामने आने लगती है, ये कार्य कल कर देंगे, इस कार्य में होना जाना कुछ भी नहीं, कहीं पहुंचेंगे नहीं, परंतु वही जो उसका ऊर्जा और उत्साह का अतिरेक है, जीवन यात्रा को परिवर्तन के स्वरूप के साथ में लेकर चलने की एक अद्भुत ताकत रखता है, जहां से चेंजेस के फंक्शनल बेसिस उसके साथ होते हैं। जब भी ये समय आने वाला हो, व्यक्ति विशेष इस अंतराल को जो 1 वर्ष से कम की अवस्था का क्रम रहता है, उसको जीवन यात्रा में भरपूर अपनाए और जो अपना कर चलने की यात्रा होती है वो उसको आगे के जो लगातार आने वाले क्रमबद्ध सिरे हैं उसकी एक अलग लॉ को भीतर तक प्रशस्त करने वाले होते हैं। इसी वजह से ये समय जागृति का रहता है, ये समय संकल्पों का रहता है, संघर्षों के भीतर भी मुस्कुराहट को अपने साथ में रखने का रहता है और यहाँ से जो बदलाव निकल कर आते हैं वो अद्भुत से भी अद्भुत क्रमबद्ध सिरों को संचालित करने वाले होते हैं। तो ये था शनिदेव की महादशा में सूर्यदेव की अंतरदशा का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।